अस्सलाम वालेकुम। हमेशा के लिए आई हो या वापस जाने के लिए? अगर हमेशा के लिए आई हो तो तुम रुक सकती हो, वरना वापस चली जाओ अभी और इसी वक्त। व्हाट इज दिस मम्मी, मेरी कल ही तो शादी हुई है और आप मुझे घर वापस लौट आने का कह रही हैं? मुझे ये शादी कबूल नहीं। पर आप ही नहीं तो करवाई है ये शादी। औलाद अगर कम अकल हो ना तो माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें ये शादी दिल से कबूल हुई। मम्मी खुदा के लिए ऐसी बातें तो ना करें। वो अपनी शादी के बाद आज पहली दफा वापस आई है, उसे दुआएं दे, प्यार से अपने पास बिठा के उसका हाल पूछे। क्या हाल पूछूं मैं इसका, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उस तंग और घुटे हुए घर में किस तरह से दिन गुजरा होगा इसका। पता नहीं वहां एसी के बगैर इसे चैन कैसे आया होगा। ये सिर्फ आपके जहन में, वो जैसा भी घर है मैं वहां बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप सिर्फ इशू क्रिएट कर रही हैं इस चीज का। मम्मी और कितनी सजा सुनाएंगी मुझे सिर्फ अपनी मर्जी चलाने पे। सुना था लोग मोहब्बत में अंधे होते हैं, मगर आज देख भी लिया। तुम तो खामोशी रहो, तुम्हें किसने बोला है कि तुम बीच में बोलो? मैं तुम्हारी किसी बात के बीच में नहीं बोल रही हूँ परी, वैसे भी तुम्हें मेरी हर बात ही बुरी लगती है। मम्मी प्लीज, आप फरिया के साथ सुकून से बैठ के बात करें, उसकी सुने, अपनी बताएं, जितनी भी बदगुमानियां हैं उसको खत्म करें और उसे दुआएं दें। वैसे भी उसने रात को अपने घर वापस चले जाना है। मेरे हुक्म के बगैर ये वापस नहीं जाएगी। जो इसने करना था वो कर लिया। अब मैं इसे एहसास दिला कर रहूंगी कि इसका फैसला गलत था। मैं अपने फैसले पे बहुत ज्यादा खुश हूँ और फहाद मुझे लेने आएगा तो मैं यकीनन जाऊंगी। आप मुझे नहीं रोक सकती। अरे तुम्हारे उस शौहर को इस घर में घुसने कौन देगा? तुम्हारे लिए मैं ऊंचे घराने का दामाद चाहती थी, ऐसे मिडिल क्लास दामाद को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं देखती हूँ तुम भी कितने दिन खुश रहती हो वहाँ। कैसी माँ है आप, बेटी का घर खराब करना चाहती है? अगर दामाद के पास पैसे नहीं हैं, तो उसे जूते की नोक पे रखेंगी आप? मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी खराब होने से बचाना चाहती हूँ। मम्मी क्या हुआ है, आप लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? फरी तुम कब आई हो? शहरयार भाई आप ही समझाएं मम्मी को, एक तो मेरी शादी इतने घटिया तरीके से करवाई है और अब मेरी खुशियों को आग लगाना चाहती है ये। और मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ जो मुझे ये यहाँ कैद करके रखेंगी। परी फरी प्लीज, बदतमीजी करने की बजाय मम्मी की बात गौर से तो सुन लो, वो हमेशा तुम्हारे फायदे के लिए बोलती हैं यार। आप तो यही कहेंगे, हैरत होती है मुझे आप पर। मम्मी ने जायदाद से निकालने की बात क्या कर दी, आप तो अपनी बीवी पे सौतन ले आए। और अब आप ये चाहते हैं कि इनके कहने पे मैं भी अपनी जिंदगी खराब कर दूं? नो वेज। फरी बदतमीजी मत करो मुझसे। बस करें, अब बहुत हो गया। आप सब प्लीज, मम्मी प्लीज, आप फरिया के ससुराल को कबूल करें और उसके साथ बैठ के सुकून से बात करें। मम्मी फरिया के ससुराल को कबूल करें। देखिए खानदान छोटा या बड़ा नहीं होता, इज्जत मैटर करती है। बस इंसान की नियत साफ होनी चाहिए। अफान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी, जहाँ मोहब्बत और खुलूस हो वहाँ ऊंच नीच मैटर नहीं करती है। लेकिन मेरे लिए मैटर करती है। अगर ये दुनिया मांगती ना तो मैं लाकर इसके कदमों में ढेर कर देती, लेकिन इसका फैसला मेरे लिए हमेशा गलत रहेगा। तो कुछ भी हो जाए मम्मी, मैं आपके कहने पर फहाद को नहीं छोड़ूंगी। गलती हो गई जो मैं यहाँ आ गई। मैं अभी फहाद को फोन करके बुला रही हूँ और मैं उसके साथ वापस जा रही हूँ। शहरयार गार्ड से बोल दो, अगर वो लड़का फरी को लेने आए तो उसे अंदर घुसने ना दे।
क्या हो गया आपको? बिना वजह का तमाशा क्यों क्रिएट कर रही हैं? खत्म करें ना इस बात को। खबरदार अगर मेरे बीच में कोई बोला तो घर से बाहर निकाल दूंगी उसे। बड़ी मनमानियां हो गई आप लोगों की। आसानी क्या हो गया आप लोगों को? हर वक्त लड़ाइयां, हर वक्त टेंशन। तो वाह, घर नहीं जहन्नुम हो गया ये।